So today our topic is course signing. So what is course signing? Java uses course signing as a requirement for granting abbreviated privileges to code. Many security policies permit signed code to operate with elevated privileges. Means हम लोग जब भी as a software developer कोई भी software को develop करते हैं या इसे as a play store या फिर कहीं पे भी हम लोग अपलोड करते हैं तो हम लोग एक कोड जेनरेट करते हैं और क्या करते हैं उस कोड में कुछ इनक्रिप्ट करते हैं जैसे कि कोई भी अटैकर उस कोड में कोई भी मॉडिफिकेशन ना कर सके और जो यूज़र उस मतलब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा वो जैसे फ्रेश जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते मीन्स उस सॉफ्टवेयर का डेटा कोई भी उसमें यूज़ नहीं कर सके। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई भी अटैकर उस सॉफ्टवेयर के डेटा के ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सके। तो इसके लिए कोड साइनिंग क्या करता है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो क्या करते हैं इनक्रिप्ट करते हैं कोड को किस लिए मतलब जब मतलब अटैकर से बचाने के लिए ये जावा सिक्योरिटी में यूज़ किया जाता है। मतलब ये हम लोग जो कोड को लिखते हैं उसमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्लेट कैन एस्केप द डिफॉल्ट सैंडबॉक्स रिस्ट्रिक्शन व्हेन साइंड। कॉन्सिक्वेंटली यूजर कैन ग्रांट एक्सप्लिसिट परमिशन आइदर टू पर्टिकुलर कोड बेस्ड और टू ऑल कोड साइंड बाई द पर्टिकुलर साइनर। This approach places control of security in the hand of user who can choose whether run application with full restricted permission. Means हम लोग जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे जो हम लोग जो कोड को सबमिट करेंगे वही कोड अपलोड होगा। मीन्स वो कोड को मॉडिफाई या चेंज हम लोग के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये कौन ध्यान में रखता है, ये कोड साइनिंग के मदद से होता है। मीन्स कोड साइनिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग पर्टिकुलर कोड को साइन करते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं डेटा को। तो हम लोग इनक्रिप्टेड फॉर्म में इसमें डेटा को देते हैं जिसलिए कि कोई भी अटैकर इसको यूज़ ना कर सके। फर्स्ट यूज़र है साइनिंग कोड हाउएवर हैज़ हिज ओन प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू सीनर। फर्स्ट यूज़र हैव नो आइडिया हाउ टू डिसाइड इफ़ अ पर्टिकुलर साइंड इज ट्रस्टेड और नॉट। सेकेंड जस्ट बिकॉज अ कंपोनेंट इज साइंड डज नॉट मीन दैट इज सेफ। थर्ड जस्ट बिकॉज टू कंपोनेंट्स आर इंडिविजुअली साइंड डज नॉट मीन दैट यूजिंग देम टुगेदर इज सेफ। लॉट ऑफ एक्सीडेंट हार्मफुल इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लॉयड। फोर्थ सेफ इज नॉट एन ऑल और नथिंग थिंग्स देयर आर डिग्रीज ऑफ सेफ्टी। एंड फिफ्थ the fact that the evidence of attack the signature of the code is stored in the computer and the attacker mostly uses the attacker could not delete or modify the signature during attack or simply perform the drive where the signature is stored। मीन्स जब भी हम लोग कोड को साइन कर लेते हैं मीन्स इनक्रिप्टेड करके हम लोग अपलोड करते हैं तो कोई भी अटैकर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो इसमें हम लोगों को मतलब इनक्रिप्ट करना पड़ता है और कोड को इसके बाद अपलोड करना पड़ता है। कोड साइनिंग इज डिजाइन टू ऑथेंटिकेट द ओरिजिन ऑफ द कोड एज वेल टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ द कोड। इट रिलीज ऑन ए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी टू कन्फर्म द आइडेंटिटी ऑफ द प्रिंसिपल सिग्नेचर। नेव यूजर शुड नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड हाउ सर्टिफिकेट एंड द पब्लिक की इंस्ट्रक्शन वर्ड। मीन्स हम लोग को कोड साइन करने के लिए जो ऑथर है उसको एक सर्टिफिकेशन करना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेशन का नाम है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी करना पड़ता है जिसकी मदद से हम लोगों को समझ में आता है कि ये कोड किसका है। तो इस कोड को कोई भी अटैकर यूज़ नहीं कर सकता और जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोग अटैकर को पता नहीं चलता कि ये कोड किसका है। यूजर कॉमनली एसोसिएटेड डिजिटल सिग्नेचर विथ सेफ्टी कोड एग्जीक्यूशन ट्रस्टिंग द कोड टू कॉज देम नो हार्म। द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन वल्नरेबिलिटी इज डिस्कवर इन साइंड कोड बिकॉज मेनी सिस्टम आर कॉन्फिगर्ड टू परमानेंटली ट्रस्ट सर्टेन साइंड ऑर्गेनाइजेशन। दो सिस्टम फेल टू नोटिफाई their users when downloaded content signed by the trusted organization।
even when that content contains vulnerability, an attacker can offer the user legitimately signed vulnerable content with the intention of exploiting that content. तो मतलब कोड साइनिंग का मेन मोटो है कि हम लोगों को कोड को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. जैसे कि हम लोगों को पता है कि जावा में हम लोग कोई भी मतलब एंड्रॉयड का या फिर किसी में हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं. तो इसको कोड साइन क्या करते हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म में लाते हैं फिर अपलोड करते थे. क्योंकि किस लिए करते हैं इसको कोड साइनर इनक्रिप्टेड फॉर्म में, कि कोई भी अटैकर इस कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते और यूज़र जो इस कोड को यूज़ कर सकेंगे वो ओरिजिनल वर्सन को यूज़ कर सकते. ये मोटो लेके कोड साइनिंग को बनाया जाता है. तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना.